नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और तब से दुनिया भर के लोग योग की तरफ उम्मीद से देखने लगे हैं। योग करना हर दिन की जरूरत है, लेकिन 21 जून के दिन ऐसा क्या खास है कि इसी दिन को इंटरनेशनल योगा डे चुना गया। बता दें कि योग भारत की प्राचीनतम खोजों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति ही भारत में हुई थी। योग परंपरा तकरीबन 5000 साल पुरानी मानी जाती है। योग को हृदय और आत्मा के बीच सामंजस्य और संतुलन के साथ दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के एक तरीके के रूप में डेवलप किया गया था। आधुनिक समय में ये भी देखने में आ रहा है कि योग से मधुमेह यानी डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों का असर कम होता है। अब योग ने पश्चिमी दुनिया में भी अपना रास्ता खोज लिया है। अब भारत से बाहर दूसरी संस्कृतियों ने भी योग को अपना लिया है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। इसके बाद 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए योग के महत्व पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपने संबोधन के दौरान कहा कि यही वो तिथि है जब उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन है। इसका दुनिया के कई हिस्सों में खास महत्व है। 21 जून ग्रीष्मकालीन संक्रांति का दिन होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में किसी ग्रह के अक्ष का झुकाव उस तारे की ओर सबसे अधिक झुका होता है, जिसकी वजह से वो परिक्रमा करता है। हमारे मामले में ये पृथ्वी और सूर्य पर लागू होता है। इसके अलावा 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है, जिसमें सूर्य जल्दी उगता है और सबसे देर में सूर्यास्त होता है। भारतीय पौराणिक कथाओं में भी इसे खास दिन माना जाता है। इसे एक ऐसी घटना जुड़ी मानी जाती है जिसे योगिक विज्ञान की शुरुआत माना जा सकता है। एक पौराणिक कथा के मुताबिक 7 लोग आदि योग के पास आत्मज्ञान के लिए गए, लेकिन वो अपने शरीर में उपस्थित नहीं थे, इसलिए वो चले गए। फिर ये लोग शिव के पास गए और आदि योगी से सीखने की जिद पर अड़े रहे, लेकिन शिव ने ये कहकर मना कर दिया कि इसके लिए लंबी तैयारी चाहिए। वहाँ से निकलकर इन 7 लोगों ने फिर 84 साल की साधना की। इस दौरान शिव का उन पर ध्यान गया। वो ग्रीष्मकालीन संक्रांति का दिन था। उसके 28 दिनों के बाद अगली पूर्णिमा पर आदि योगी ने खुद को आदि गुरु में तब्दील किया और अपने शिष्यों को योग विज्ञान सिखाना शुरू कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।